आप सभी को नमस्कार राजस्थान थ्री सिक्सटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम सारे ज्वाइन कर लो फटाफट से लाइव आ जाओ क्रिक आरपीसी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विथ टीम अन अकेडमी मैं योगेंद्र सिंह पिछले सात वर्षे ऑनलाइन व ऑफलाइन एजुकेटर के रूप में कार्यरत हूँ और मेरे प्यारे बच्चों अपनी क्लासों की जो सबसे बड़ी खास बात होगी चाहे अपन मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं अथवा अपन रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन कंसर्ट बेस पे हर टॉपिक को समझेंगे यदि ने कंसर्प्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया कवर कर लिया उसके बाद चाहे कैसा भी क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन क्यों ना हो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपली अपन हर एक क्वेश्चन को फॉलो कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों यदि आपने गूगल प्ले स्टोर से अनएकेडमी लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अनकेडमी लर्निंग ऐप के क्या क्या एडवांटेज हैं चर्चा करते हैं हर एक एडवांटेज के बारे में फटाफट से शेयर कर दो भाई शेयर कर दो फटाफट शेयर कर दो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ मेरे प्यारे बच्चों अनअकेडमी लर्निंग ऐप है आपको डेली लाइव क्लासें मिलेगी। तो लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो और पोल में आंसर भी दे सकते हो जैसा कि आप ऑफलाइन क्लासेस में करते हो सेम एज इट इज उसी भी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों लाइव टेस्ट और क्यूजेज लाइव टेस्ट और क्यूज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो यदि आप रेगुलर मॉक टेस्ट का हिस्सा होते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाओगे कि तो वास्तव में कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो ये केवल केवल आप मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो प्यारे बच्चों कोर्सेज अनअकेडमी लर्निंग ऐप पर सारे के सारे कोर्स एक स्ट्रक्चर एक फॉरम में है लाइन टू लाइन एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड होगा जो आपकी एग्जाम की प्रिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो अनलिमिटेड एक्सेस यदि आप कोई भी एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों चाहे जो मर्जी जिस एजुकेटर की आप क्लास लेना चाह रहे हैं चाहे लाइव लो अथवा कितनी भी बार किसी भी एजुकेटर की और कितनी भी डिवाइसों में आप क्लासे ले सकते हो आपके पास किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है आप मेरे साथ और भी आर पी एस सी के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं उनके साथ आप अध्ययन कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों आप चाहे एस एस सी की तैयारी कर रहे हो आप बैंक की तैयारी कर रहे हो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो पटवार की तैयारी कर रहे हो पुलिस की तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों अन अकेडमी बहुत ही न्यूनतम फीस में बहुत ही वाजिब फीस में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है यहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों देखो आर की जो प्लस कोर्स है वो बारह मंथ की फीस है मात्र और मात्र सात हज़ार रुपये और चौबीस मंथ की फ़ीस है वो मात्र और मात्र आठ हज़ार चार सौ रुपये और यदि उसी में आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो के ओ के एल आई वी यदि आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करते हो मेरे प्यारे बच्चों हर कोर्स पर आपको दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो बारह मंथ की जो फीस सात हज़ार रुपये थी वो मात्र छः हज़ार तीन सौ रुपये चौबीस मंथ की जो फीस आठ हज़ार चार सौ रुपये थी वो मात्र सात हज़ार पाँच सौ साठ रुपये यानी मंथली केवल और केवल तीन सौ पंद्रह रुपये तो यहाँ बहुत ही एक वाजिब फीस है जहां आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों आज का अगला सेशन है अपने पिछली क्लास में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम की बेसिक बातों के बारे में पढ़ा था फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों साथ फटाफट से, से शेयर कर दीजिएगा शुरू कर रहे हैं आज का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सारे बच्चे रेडी हो रेडी हो मेरे प्यारे बच्चों शुरू कर दें फिर अगर आप रेडी हो तो हम भी रेडी हैं हाँ जी चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा देखिएगा प्यारे बच्चों अपन चर्चा कर रहे थे रिमाइंडर थोड़ो आखिरी क्लास में अपन ने बहुत बेसिक से कंसेप्ट को समझा था अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ने मान लो मैं आपको यह बोलू कि किसी संख्या में बारह का भाग पूरा पूरा जा रहा है सुनला लाइन टू लाइन किसी संख्या में बारह का भाग पूरा पूरा जा रहा है यदि मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या में यदि बारह का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो बताइए उस संख्या में और किस किस संख्याओं का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा यदि किसी संख्या में बारह का भाग पूरा पूरा गया है तो मेरे प्यारे बच्चों उस संख्या में 6 का चार का तीन का और दो का भाग भी पूरा पूरा जाएगा अरे एक तो सबका कॉमन फैक्टर है यार एक तो है ही है एक तो सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर है जिन संख्या में या जिस संख्या में यदि बारह का भाग पूरा पूरा जा रहा है उस संख्या में छः, चार तीन और दो का भाग भी पूरा पूरा जाएगा मैं आपको बोलूं यदि किसी संख्या में मान लो 28 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कोई भी संख्या मान लो उस संख्या में यदि 28 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में 14 का सात का चार का और दो का भाग भी पूरा पूरा जाएगा समझ मेरी बात को मैं बोलूं किसी संख्या में मान लो पैंतालीस का भाग पूरा पूरा जा रहा है यदि संसार की किसी भी संख्या में पैतालीस का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में पंद्रह का नौ का पाँच का और तीन का भाग भी पूरा पूरा जाएगा सहमत हो मेरे प्यारी प्यारी बच्चों इन बातों से अरे सहमत हो प्यारी बच्चों इन बातों से अब देखो यार अपन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होगी एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है किसी संख्या में छप्पन से भाग देने पर शेष गुणतीस आता है उसी संख्या में आठ से भाग दिया जाए तो शेष क्या है? अब देखो मान लिया एक सेकेंड सुनना यदि किसी संख्या में मान लो छप्पन का भाग पूरा पूरा रहा है सुनना एक बार यदि किसी संख्या में मान लिया छप्पन का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें और किस किस का भाग पूरा पूरा जाएगा अट्ठाईस का चौदह का आठ का सात का चार का और दो का भाग भी पूरा पूरा जाएगा यदि संसार की किसी संख्या में फिफ्टी सिक्स छप्पन का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो जहाँ तक छप्पन का भाग चला गया वहाँ तक अट्ठाईस चौदह आठ सात चार और दो का भाग भी पूरा पूरा जाएगा अब क्वेश्चन ये बोल रहा है छप्पन का भाग देने पर शेष बच रहा है गुणतीस शेष कितना बच रहा है प्यारे बच्चों गुणतीस अब यार एक बात बताओ किसका भाग दीवार है आठ का क्या जहां तक छप्पन का भाग गया था क्या वहां तक आठ का भाग भी जाएगा जहां तक छप्पन का भाग गया था वहां तक आठ का भाग भी जाएगा लेकिन आठ का भाग देने पर क्या शेष नहीं बच सकता है गुणतीस शेष नहीं बच सकता है तो गुणतीस में आठ का भाग आठ गुणा तीन चौबीस बोलो कितना आंसर आ गया आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों पांच शेष हो गया आपका आंसर क्या हो गया पांच शीर्ष हो गया बोलो मेरे प्यारे बच्चों याद कर पाओगे अब देखो ध्यान देना इस चीज को थोड़ा और आगे समझते थोड़ा सा और आगे जाते हैं किस प्रकार अपन चीजों को फॉलो कर पाए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी से मान लो आठ की बजाय चौदह का भाग दिवा था किसका भाग दिवा था चौदह का भाग यदि मैं आपको ये बोल दूं कि किसी संख्या में आठ का चौ सॉरी किसी संख्या में छप्पन का भाग यदि पूरा पूरा जा रहा है तो क्या उस संख्या में चौदह का भाग भी पूरा पूरा जाएगा जी हाँ लेकिन क्या शेष नहीं बचेगा गुणतीस अरे जहां तक छप्पन का चला गया है वहां तक चौदह का ही जाएगा लेकिन गुणतीस में चौदह का भाग दो चौदह गुणा दो अट्ठाईस बोलो प्यारे बच्चों कितना शेष बचाएगा एक आपका फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे विचार से बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इन चीजों को समझ पाए होंगे मैं।, मैं समझ सकता हूं आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ पाए होंगे अब देखो चलो अगला क्वेश्चन देखो करो और बताओ भी देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है बताओ बताओ प्यारी प्यारी बच्चों बताओ देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया है 121 से किसी संख्या को विभाजित किया है अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं 121 से तो विभाजित कर रहा है 25 से रहा है उसी संख्या को 11 से विभाजित करना है तो क्या जहाँ तक 121 का भाग गया था मेरे प्यारे बच्चों वहाँ तक तो 11 का भाग भी जाएगा जहाँ तक 121 का भाग है वहां तक 11 का भाग भी जाएगा लेकिन क्या शेष नहीं बचेगा 25 तो सीधा 25 में 11 का भाग लगा लो 11 गुणा दो बाईस तीन शेष बच गया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कैसा भी क्वेश्चन आपके पास क्यों ना दिया जा रहा है बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपली आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो क्वेश्चन क्या है किसी संख्या को आठ सौ निन्यानवे से भाग देने पर शेष पर तिरसठ आता है तो उसी संख्या को गुणतीस से भाग देने पर शेष क्या आप आठ सौ निन्यानवे में, में गुणतीस का भाग दो ही पूरा पूरा जा रहा है क्या हाँ गुणतीस गुणा तीन सत्यासी दो शेष पूरा पूरा भाग इकतीस बार जा रहा है यानी इसका फैक्टर है या गुणतीस का गुण आठ सौ निन्यानवे बोल सकते हैं कि जहां तक आठ सौ निन्यानवे का भाग पूरा पूरा गया वहां तक गुणतीस का भाग भी पूरा पूरा जाएगा लेकिन गुणतीस का भाग देने पे क्या शेष नहीं बच सकता है तिरसठ नहीं बच सकता है आप त्रेसठ में गुणतीस का भाग लगा लो दो अट्ठावन बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर आ गया पांच आंसर आ गया मैं समझ सकता हूं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे क्लियर है क्लियर है अब चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा प्लीज मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका पहले आपको यहां बता रहा हूं देखो पहले अपन कंसेप्ट को समझेंगे पहला काम है कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है यार कैसा भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार क्यों ना हो बहुत आसानी से करेंगे बहुत जल्दी करेंगे अब देखो एक सेकेंड एन को चार से भाग देने पे तीन शेष बच रहा है टू एन को चार से एक बार आपको मुझे पता है सारे बच्चे कर लोगे सारे करेंगे तीन गुणा दो और दो शेष बचे प्यारे बच्चों जबरदस्त कंसेप्ट है जो आपको बता रहा हूं क्या कंसेप्ट है जैसे मान लो एक संख्या लेते हैं पच्चीस है पच्चीस में ग्यारह का भाग दिया ग्यारह गुणा दो बाईस बोलो कितना शेष बचा तीन शेष बचा मैं पच्चीस को डबल कर रहा हूं सुनना पच्चीस को डबल पच्चीस का, का डबल पचास पचास में ग्यारह का भाग ग्यारह गुणा चार चवालीस बोलो कितना शेष अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों पहले संख्या पच्चीस थी अब संख्या पचास हो गई बोलो संख्या दो गुणी यदि संख्या दो गुणी है यदि संख्या दो गुणी है बोलो शेष पल भी दो गुणा हुआ पहले तीन था अब छः हो गया अगर मैं संख्या को तीन गुणा कर दूं, पच्चीस गुणा तीन में पिछेतर कर दूं, डेफिनेट बता रहा हूँ शेष पल भी तीन गुणा होगा पिछेतर में ग्यारह का भाग दो ग्यारह गुणा छियासठ बोलो कितना शेष बचा नौ शेष बचा देखो तीन से नौ बोलो तीन गुणा हुआ अगर संख्या तीन गुणी है प्यारे बच्चों शेषफल पल भी तीन गुणा संख्या तीन गुणी है तो शेष पल भी तीन गुना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अब मैंने संख्या को चार गुना कर दिया बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट यहां समझिएगा चार गुना करोगे पच्चीस गुना, चार सौ। मेरे प्यारे बच्चों सौ में ग्यारह का भाग ग्यारह नौ निन्यान में बोलो कितना शेष एक से समझो बड़ा ही दमदार कंसेप्ट पहले क्या शेष बच रहा था तीन संख्या पच्चीस से सो हुई है कितने गुना? चार गुना। शेष तीन से एक हो गया मेरे प्यारे बच्चों शेष चार गुना तो नहीं हुआ क्या शेष चार गुना हुआ है जी हा शेष चार गुना ही हुआ है शेष चार गुणा ही हुआ है कैसे हुआ है इधर देखो पहले शेष बच रहा था तीन तीन को चार से गुणा करेंगे बारह शेष आएगा किसका भाग दे रहे हैं ग्यारह का मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या में यदि ग्यारह का भाग दे रहे हैं तो क्या शेष पल ग्यारह से तो कमी आएगा यहां क्या बस रहा है बारह बारह शेष नहीं बच सकता बारह में ग्यारह का भाग दो बोलो एक शेष आ गया यहां तो डायरेक्ट एक ही तो आ रहा था समझ पा रहे हो मेरी बात को चलिए चलिए एक काम करते हैं एक सेकंड एक काम करते हैं एक सेकंड पच्चीस में ग्यारह का भाग दिया अपने पास तीन शेष आया अब मैं एक काम कर रहा हूं मैं संख्या को आठ गुना कर रहा हूं कितने गुना कर रहा हूं आठ गुना डेफिनेट बता रहा हूं शेष फल भी आठ गुना होगा पहले शेष तीन था आप तीन को आठ से गुणा करो बोलो आठ गुणा तीन कितना शेष बचेगा चौबीस बचेगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या ग्यारह का भाग देने पे कभी चौबीस शेष बच सकता है नहीं चौबीस में ग्यारह का भाग ग्यारह गुणा दो बाईस बोलो कितना शेष दो आया ना सुनना दो आया अब आप एक काम करो आप संख्या को आठ गुणा करो पच्चीस गुणा आठ दो सौ दो सौ में ग्यारह का भाग दो ग्यारह एकम ग्यारह शेष बचा नौ उतारा जीरो ग्यारह आठ अट्ठासी बोलो कितना शेष बचा दो शेष बचा फंडा क्लियर संख्या पांच गुणा शेष पल पाँच गुणा संख्या का स्क्वायर है शेष का भी स्क्वायर है संख्या का क्यूब है शेष का भी क्यूब है जो जो बदलाव संख्या में करेंगे वही का वही बदलाव शेष में होगा अथवा जो जो बदलाव शेष पल में करेंगे वही का वही बदलाव संख्या में होगा मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है सारी बातें अरे कलियर है मेरे प्यारी बच्चों सारी बातें चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब देखो ये क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा एन को चार से भाग दिया आपके पास रिमाइंडर जो बच रहा है वो रिमाइंडर तीन बच रहा है अब टू एन करना है एक बात बताओ पहले एन था अब टू एन है दो गुणा कितना गुणा दो गुणा तो शेष पल भी तीन गुणा दो कितना बचेगा छः बचेगा कितना बचेगा छः किसका भाग दे रहे हैं चार का प्यारे बच्चों क्या चार का भाग देने पर कभी भी शेष पल छः बच सकता है नहीं बच सकता तो छः में चार का भाग दे लो फाइनली कितना आंसर आ गया दो आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है प्यारे बच्चों क्लियर है आओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भी। हा बहुत अच्छा बदलाव किया एक प्यारा बदलाव आपके सामने दिया है बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही प्यारा बदलाव आपके सामने दिया है देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे हा 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 शब्बास शब्बास भी देखो जब एक संख्या को पांच से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष फल तीन आता है जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को पांच से विभाजित करेंगे उस संख्या के घन और वर्ग के योग को पांच से विभाजित किया जाएगा तो शेष फल क्या आएगा करो और मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि वास्तव में क्या रिजल्ट आपका बहुत अच्छा और एक बहुत प्यारा बदलाव क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे अभी देखते हैं कि कितने बच्चे वास्तव में राइट आंसर पे पहुंच पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप एक काम करो पांच से भाग दिया कितना शेष आया तीन संख्या का घन करना है आप तीन का क्यूब कर लो अरे घन का मतलब क्यूब और वर्ग करना है तो तीन का वर्ग कर लो स्क्वायर कर लो का योग कर लो ये लो योग कर लिया और बोलो जो बदलाव संख्या में किया है वही का वही बदलाव रिमाइंडर में करते जाओ पहले घन करना है तीन का क्यूब फिर स्क्वायर करना है जोड़ना है तीन का क्यूब सत्ताईस प्लस 9 बोलो कितना आया छत्तीस किसका भाग छत्तीस में पाँच का भाग देंगे बोलो एक शेष आए कितना शेष आएगा एक शेष आएगा समझ पा रहे हो मेरी बात को अब देखो भाई एक आप एक काम करो आप कोई संख्या मानो पांच का भाग देने पे तीन बच रहा है जैसे अपन ने आठ लिया क्या आठ में पांच का भाग दोगे तीन ही बचेगा अब उस संख्या का घन अपन ने संख्या आठ मान रखी है आठ का क्यूब चौसठ सॉरी 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 आठ का क्यूब है क्यूब तो पाँच सौ बारह होगा आठ का क्यूब आठ का क्यूब पाँच सौ बारह वर्ग आठ का स्क्वायर चौसठ इनको जोड़ेंगे छः सात पाँच अरे कुछ भी आया होगा आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में जब किसी संख्या में पाँच का भाग देना होता है तो अंतिम अंक में भाग दे लो क्योंकि पाँच का भाग उसी में पूरा पूरा जाएगा जिसका अंतिम या तो जीरो होगा और या पाँच होगा या तो जीरो होगा या पाँच होगा तो छ में पाँच का भाग दोगे बोलो एक ही बचेगा ना क्लियर हुआ बेजा काम कर रहा है समझ में आ रहा है चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आहा। बहुत ही अच्छा और एक प्यारा बदलाव आपके सामने है प्यारे प्यारे बच्चों देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे भाई है जब किसी संख्या को अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष पल तेवीस है जब इस संख्या से दुगुनी संख्या को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष पल ग्यारह है वह विभाजक क्या है किसका भाग दे रहे है? किसका भाग दे रहे अच्छा क्वेश्चन है अगर जरा सा दिमाग लगाओगे कर लोगे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे पक्का कर लोगे पक्का प्यारे बच्चों ध्यान देना समझते हैं चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही नॉर्मली जब किसी संख्या को अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल यानी जो रिमाइंडर बस रहा है सुनना वो तेवीस बस रहा है संख्या को दोगुनी संख्या करना है एक बात मुझे बताओ अगर संख्या दोगुनी करेंगे शेषफल भी दोगुना हो जाएगा करे संख्या को दो गुणा करेंगे शेष पल भी दो गुणा हो जाएगा बोलो तेवीस गुणा दो कितना शेष सेस बचेगा शेष पल छियालीस बचना चाहिए था सुनना शेष पल फोर्टी सिक्स छियालीस बचना चाहिए था लेकिन कितना शेष बचा ग्यारह बचा अब अगर 11 शेष बचाए छियालीस बचना चाहिए था छियालीस में से 11 घटा दो किसका भाग दे रहे थे 35 का भाई शेष पल छियालीस बचना चाहिए था छियालीस नहीं बचा 11 बचाए इसका मतलब छियालीस में से 11 कम कर दो 35 तक भाग पूरा पूरा जा रहा है तो विभाग 35 होगा अरे विभाजक पैंतीस होगा पैंतीस का मतलब पांच और सात भी तो हो सकता है लेकिन पांच और सात क्यों नहीं होगा क्योंकि पांच और सात का भाग देने पे कभी तेईस नहीं बचता है पांच का दे या सात का हाँ पैंतीस का देंगे तो तेईस बचेगा बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हुआ मैं समझ सकता हूँ बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही सिंपली आप इस चीज को समझ पाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी के साथ आप इन चीजों को कवर कर पाए होंगे ठीक है मेरी प्यारी प्यारी बच्चों ठीक है चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आजा। हाँ जी एक बहुत अच्छा बदलाव है किसी संख्या को तेरा से विभाजित करने पर एक शेष बचता है यदि भाग पल को पांच से विभाजित किया जाए तो शेष पल के रूप में तीन बचता है यदि इस संख्या को पैंसठ से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा करो भाई एक बहुत ही दमदार कंसेप्ट आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों मैंने दो तीन नाम लिखे हैं आपके सामने क्या क्या नाम लिखे हैं ध्यान लगातार कर्मिक या उत्तरोत्तर लगातार कर्मिक या उत्तरोत्तर सुनो एक बार ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ आ सकता था कि यदि किसी संख्या में लगातार तेरह और पाँच का भाग दिया जाए कर्मिक रूप से तेरह और पाँच का भाग दिया जाए तो शेष क्रम से एक और तीन बचता है वह प्रारंभिक संख्या बताइए या उस संख्या में पैंसठ से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों एक बार बेसिक समझो लगातार कर्मिक या उत्तुत का मतलब है कि जो भागफल आ रहा है उस भागफल में आपको भाग लगाते जाना है जो भाग पल आ रहा है उसी भागफल में आपको भाग लगाते जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कोई संख्या है उसको तेरह से भाग करोगे तेरह से भाग करोगे अक्स है तेरह से भाग करोगे वाई बार भाग गया और आपके पास शेष बच गया एक अब भागफल को भागफल आया था वाई वाई को पांच से विभाजित करोगे तो शेष के रूप में तीन बचता है और ये आ गया जेड अब सबसे पहले तो आप अक्स का मान याद करोगे तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों हालांकि काफी लोग इसको बोल देते हैं कि यार आप इसको जीरो जीरो मान लो मेरे प्यारे बच्चों हाँ है लेकिन कई बार इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी आपको जीरो यहां नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है मैं बता दू संख्याओं की शुरुआत होती है एक से और किसी भी संख्या का पहला गुण क्योंकि पूछेगा प्रारंभिक संख्या पहला गुणज संख्या खुद होती है किसी भी संख्या का जो पहला गुणज है वो संख्या खुद ही होती है ठीक है इसलिए जिसका अंतिम भाग है उसका भाग एक लेंगे यहां थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आएगी मैं बहुत सिंपल और एक बहुत प्यारा सा तरीका आपको बता रहा जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास दिया जा रहा है आपको करना क्या है छोटी सी टेबल बना लो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तेरा का भाग दिया कितना शेष बचा एक जो शेष बचा है उसको साइड में रख दो फिर भागफल को पांच से भाग दिया कितना शेष बचा तीन शेष बचा अब सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है वह प्रारंभिक संख्या क्या है अपन सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि वह जो प्रारंभिक संख्या है वो प्रारंभिक संख्या क्या है अपना पहला काम ही कि जो प्रारंभिक संख्या है वो संख्या ही क्या है ठीक है अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो समझो बहुत इजी वे में और बहुत बेसिक से जिस संख्या का सब देखो पहले तेरह का भाग गया फिर पाँच का बोलो सबसे लास्ट किसका भाग गया पाँच का जिस संख्या का सबसे लास्ट भाग गया उसका अपन भाग पर लेंगे प्रारंभिक क्यों लेंगे क्योंकि अपने को प्रारंभिक संख्या याद करनी है तो किसी भी संख्या का कम से कम भाग कितनी बार जाता है एक बार अरे भाई मैं आपको ये बोल लूँ आप मुझे ये बताओ सत्ताईस का पहला गुण अरे भाई सत्ताईस गुणा एक है अट्ठावन का पहला गुण अट्ठावन गुणा एक है तो हमेशा ध्यान देना है इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है अंतिम भाग जिसका सबसे लास्ट भाग देंगे उसका पर एक लेंगे अब देखो पांच का भाग एक बार गया पांच गुणा एक पांच तीन शेष बचा बोलो पांच और तीन आठ और तीन आठ अब ध्यान देना अपन ने पाँच का भाग भागफल में दिया था तो बोलो भागफल कितना है आठ अब ये आठ किसका भागफल है तेरा का भागफल है आठ किसका भागफल है तेरा का बोलो तेरा गुणा आठ एक सौ चार तेरह गुना आठ एक सौ चार शेष फल कितना है एक बोलो एक सौ चार और एक सौ पांच अगर आपसे केवल इतना ही पूछा गया है कि वह संख्या बताइए मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा एक सौ पांच अगर आपसे केवल इतना ही पूछा है वो संख्या बताइए आपका आंसर हो जाएगा 105। लेकिन बोल रहा है उस संख्या को पैंसठ से भाग देना है 105 में पैंसठ का भाग लगा लो मेरे प्यारे बच्चों फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 40 आपका शेष बच जाएगा मैं समझ सकता हूं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपली आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे एक बार नोट करो मैं मोटा मोटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं और सेम एज इट इज जो कहती हूं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ फटाफट से नोट करो प्यारे बच्चों समझते हैं अगला क्वेश्चन <coughs> उत्तरोत्तर जाए, लगातार आ जाए कर्मिक जाए, आपको प्राप्त भागफल में भाग देना है जिस संख्या का सबसे लास्ट भाग देंगे उसका भागफल हमेशा कितना लेंगे एक पाँच का भाग एक बार तीन शेष पाँच एकम पाँच और तीन आठ आठ तेरह का भागफल फल तेरह गुण आठ एक सौ चार और एक सौ पाँच संख्या पूछता एक सौ पाँच पैंसठ का भाग देना तो भाग लगा लो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप देखो क्वेश्चन खुद करोगे तो ही आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाओगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ खुद करना और बताना क्वेश्चन है क्या मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर लगातार क्रमिक चार और छः से भाग दिया जाए तो शेष क्रम से एक व चार बचता है शेष क्रम से एक तीन व चार बचता है वह प्रारंभिक संख्या बताइए ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए 211, 213, 214 या इनमें से कोई नहीं जो भी है करो सारे बच्चे और अपना अपना जो भी रिजल्ट आए हाँ मैं इसमें एक बदलाव भी आपको कराऊंगा पहले आप मुझे एक बार फटाफट कमेंट करके आंसर बताऊंगी देखता हूँ मैं सबसे पहले कौन बच्चा कमेंट कर पा रहा है कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट कर अब देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक से अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं ध्यान दो एक बार समझो क्वेश्चन यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर आपको करना क्या यार इतना काम तो कर लोगे यहाँ एक बदलाव है मैं अभी आपको बदलाव भी करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले चार का भाग फिर पांच का भाग फिर छह का भाग जो शेष बचे उसको साइड में रख दो एक शेष बचा तीन शेष बचा चार शेष बचा मेरे प्यारे बच्चों सबसे लास्ट किसका भाग दिया देखो सबसे लास्ट छ का भाग दिया आपको एक बात मैं बता चुका हूं कि जिस संख्या का सबसे लास्ट भाग देंगे उसका भाग पर अपन लेंगे प्रारंभिक उसका भाग पर अपन क्या लेंगे प्रारंभिक और किसी भी संख्या का प्रारंभिक भागफल क्या होता है एक किसी भी संख्या का प्रारंभिक भागफल होता है एक छः का भाग गया एक बार छ गुणा एक छ चार शेष बता बोलो छः चार दस जिस बच्चे को कोई भी डाउट रह गया समझ लेना दस किसका का भागफल है पाँच का दस गुणा पाँच पचास दस गुणा पाँच पचास शेष कितना है तीन बोलो पचास और तीन है त्रेपन अब त्रेपन भागफल किसका है चार का तो त्रेपन को चार से गुणा करोगे 212, 212 में एक जोड़ दोगे बोलो कितना आया 213 ये यह आपका आंसर आ गया अब इस क्वेश्चन में एक बदलाव आता है क्या बदलाव आता है सुन लेना अरे यहां तक सबको क्लियर है बदलाव आएगा यदि विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए यदि विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्रम से शेष क्रम से क्या क्या बचेंगे शेष क्रम से क्या क्या बचेंगे मेरे प्यारे बच्चों पहला हाँ आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला काम आपको इतना ही करना है अपन संख्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले अपन संख्या ज्ञात करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों जो संख्या थी वो संख्या क्या है आपके पास है जो संख्या थी वो क्या आई है 213 तो आप लिखो 213 मेरे विचार से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी संख्या को ज्ञात तो 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 करने अब विभाजकों का क्रम उल्टा करने का मतलब ये है पहले चार का भाग दे रहे थे फिर पाँच का दे रहे थे फिर छः का दे रहे थे उल्टा करेंगे तो पहले छः का देंगे फिर पाँच का देंगे और फिर चार का भाग देंगे पहले छः का देंगे फिर पाँच का फिर चार का छः का भाग तो दो सौ तेरह में दो देखो छुणा तीन अट्ठारह शेष बच गया तीन और तीन शेष बच गया तैतीस तैतीस में छः गुणा पाँच तीस तीन शेष बचा पाँच का भाग पैंतीस में पूरा पूरा सात बार गया जीरो शेष बचा चार का भाग सात में एक बार गया कितना शेष बचा तीन तो शेष क्रम से थ्री जीरो और थ्री ये आपका फाइनली आंसर होगा अब ये नहीं कि संख्या उल्टा कर दी तो इनको भी उल्टा कर देना गलती से भी मत कर देना एक बार फटाफट नोट करो पूरे क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ बड़ा ही दमदार और प्यारा क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली अपन समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना पहला काम है संख्या ज्ञात कर लोगे अब संख्या ज्ञात कर लिया विभाजन क्रम उल्टा करना है छः पाँच चार छः का भाग दो सौ तेरह में जो भाग पर लगेगा उसमें पाँच का भाग जो भाग पर लगेगा उसमें चार का भाग ये आपका शेष आ जाएगा बोलो ये वाला ज्ञात कर पाओगे प्यारे बच्चों हो पाएगा चलो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ उसके एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल प्लस पाँच फैक्टोरियल प्लस छः फैक्टोरियल और प्लस छह सौ फैक्टोरियल में पंद्रह का भाग देने पर किसका भाग है पंद्रह का भाग देने शेष क्या बचेगा पंद्रह का भाग देने पर शेष क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों हर बच्चे को मैं बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है ये बात अपन कवर कर चुके हैं समझ चुके हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है किसको फैक्टोरियल बोलोगे इन हर बातों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ फैक्टोरियल कर्म गुणित देखो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले यूनिट डिजिट को पूरा समझ लीजिएगा यूनिट डिजिट में मैंने आपको बता रखा है कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है किस प्रकार फैक्टोरियल का मान याद करते बताओ भाई फटाफट कमेंट करो और बताओ भाई कितने बच्चे राइट आंसर भी पहुंच पा रहे हैं फटाफट कमेंट करो और बताओ भाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब होता है कर्म गुणित कर्म से गुणा करना फैक्टोरियल 6 का मतलब एक से लेकर 6 तक गुणा फैक्टोरियल 5 का मतलब एक से लेकर 5 तक गुणा फैक्टोरियल चार का मतलब एक से लेकर चार तक गुणा फैक्टोरियल 600 सौ का मतलब एक से लेकर 600 सौ तक गुणा और क्या करना है आओ क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल एक का मान होता है एक एक में पंद्रह का भाग दो क्या एक में पंद्रह का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है अगर भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब शेष एक बच गया भाई भाग ही नहीं जा रहा है इसका मतलब शेष एक बच गया प्लस दो फैक्टोरियल का मान होता है दो अरे दो फैक्टोरियल का मान क्या होता है दो दो में किसका भाग देंगे पंद्रह का क्या दो में पंद्रह का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है प्यारी बच्चों भाग ही नहीं जा रहा है बोलो शेष क्या बचेगा दो आगे प्लस तीन फैक्टोरियल का मान क्या होता है छ अरे तीन फैक्टोरियल का मान क्या होता है छ छ में पंद्रह का भाग देंगे क्या छह में पंद्रह का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है यदि छ में भी पंद्रह का भाग नहीं जा रहा शेष बच गया प्लस मान होता है चौबीस में पंद्रह का भाग गया एक बार अपने को तो क्या चाहिए अपने को शेष चाहिए बोलो कितना शेष बचा नौ बचा ये लाइन समझ में आई भाई चार फैक्टोरियल का मतलब होता है एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार चौबीस में पंद्रह का भाग दिया नौ शेष बचा पांच इधर देखो पांच मान होता है एक सौ बीस अरे एक से लेकर गुना, 120 में चौबीस गुणा पांच एक सौ बीस कितना शेष बचा जीरो सेस बचा कितना शेष बचा जीरो शेष बचा फैक्टोरियल छे का मान सात सौ बीस अब सात सौ बीस में चौबीस चौबीस गुना तीन बेहतर है पूरा पूरा भाग जा रहा है यदि पूरा पूरा भाग गया बोलो शेष क्या बचा जीरो शेष बचा क्या मैं ये बोल सकता हूँ आगे शेष क्या बचेगा जीरो यदि भाग देने पर एक बार शेष जीरो आ जाए उसके बाद आपको कहीं पर भी भाग देने की जरूरत ही नहीं है आगे सभी संख्याओं में शेष जीरो ही बचेगा आपको कहीं पर भी भाग लगाने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी किसी भी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है उसके बाद हमेशा शेष पल जीरो ही बचेगा जहां पर एक बार शेष जीरो क्यों बचेगा सुन लो सबसे पहले फैक्टोरियल पांच में जीरो शेष बचा अब देखो फैक्टोरियल छह का मतलब क्या होता है सुनना फोरियल छह मतलब गुणा पांच फैक्टोरियल लिख दू अरे बात फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सात गुना, गुना होता है? आगे हर संख्या में फैक्टोरियल पांच मौजूद हो जा तो अगर एक बार शेष जीरो बच गया आगे कहीं पर भी भाग देने की जरूरत नहीं है हमेशा शेष जीरो ही बचेगा अब इनको जोड़ लो यार नौ छ पंद्रह दो सत्रह और एक अठारह बोलो कितना शेष बचा अठारह किसका भाग दे रहे हैं पंद्रह का क्या पंद्रह का भाग देने पर अठारह शेष बच सकता है नहीं बच सकता शेष पंद्रह से कम बचेगा तो अठारह में पंद्रह का भाग दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फाइनली आंसर कितना आएगा तीन आंसर आएगा जहां पर भी भाग पूरा चला गया एक बार शेष जीरो बस गया, वहीं पर छोड़ दो मैं समझ सकता हूं आप बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाए होंगे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अरे क्लियर है ये कंसेप्ट अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अभी भी देखो आगे पावर वाले क्वेश्चन आते हैं एक टूसेंट मेथड जो पूरे रिमाइंडर की एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है तो चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे वाले क्लासों में बोलो यहाँ तक रिमाइंडर थ्योरम पूरी क्लियर है किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है नहीं है कोई डाउट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अरे नहीं है ना किसी भी प्रकार का कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेगुलर शाम को छः पंद्रह से अपनी क्लास होती है रेगुलर छः पंद्रह से ठीक है किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स प्लस कोर्स लेना है आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो के ओ के एल आई वी अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करोगे आपको हर कोर्स पे मेरे प्यारे बच्चों दस परसेंट डिस्काउंट आपको हर कोर्स पे अवेलेबल होगा चाहे आप एस एस सी का कोर्स परचेज कर रहे हैं बैंक का रेलवे का किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का आर पी सी का पटवार का पुलिस का एस एस सी जी डी कॉन्स्टेबल बहुत ही न्यूनतम फीस में बहुत ही वाजिब फीस में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों सारी बातें क्लियर है या तक पढ़ाया क्लियर हो गया है चलिए मेरे प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे अगली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते राख करो और हमेशा बने रखो अनअकेडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लो मेरे प्यारे बच्चों अनएकेडमी लर्निंग ऐप पर भी अपनी रेगुलर क्लास होती है एक से दो अथवा आठ से नौ ये अपना रेगुलर अनएकेडमी में अभी क्लास अनएकेडमी पर अभी ये क्लास जो होगी वो हो, नेक्स्ट क्लास होगी अपनी सत्रह से सत्रह से है ना ये चौदह पंद्रह सोलह तो मैं ऑफ रहूँगा चौदह पंद्रह सोलह तो मैं ऑफ रहूँगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे अपन सत्रह को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू